गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अपनी एक नई वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी दाल मखनी। क्योंकि गाइस, लेडीज होती है वो दाल मखनी जब बनाती है तो हम माँ चने की दाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राजमा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये राय दूंगी कि अगर आप सिर्फ माँ की दाल बनाओगे तो ही आप रेस्टोरेंट टाइप की दाल मखनी बना सकते हो। तो आज मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। आप देख सकते हो तेल के बीच में मैंने सबसे पहले मैंने इसमें प्याज, दो लाल मिर्ची डाली है। लाल प्याज ब्राउन हो चुका है और इसके बीच में मैं डाल देती हूँ जो लहसुन का पेस्ट था, ये लहसुन का पेस्ट था, इसके बीच में मैं डालती हूँ। तो गाइस, जब तक ये ब्राउन होता है तो मैं आपके साथ थोड़ी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए, अब इसमें मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ये कसूरी मेथी है, इसको मैं डालूंगी अभी। इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कसूरी मेथी डाल देते हैं और ये है धनिया पाउडर। ये देख सकते हो आप, धनिया पाउडर खत्म हो चुका है थोड़ा सा। ये मीट मसाला है, क्योंकि मीट मसाले का इस्तेमाल मैं पक्का करती हूँ अपनी दाल में, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। नॉन वेज तो मैं खाती नहीं हूँ, बट मैं मख देती हूँ ताकि मुझे इसका मसाला बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मसाले का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो गाइस, हम देखिए हमारा मसाला हो चुका है, कितने अच्छे से हमारे मसाले का रंग निकल चुका है, ये देख सकते हो आप। इसमें मैंने टमाटर का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसमें दाल डाल दूंगी। और गाइस, मैं आपको ये बताती हूँ, ये देख सकते हो आप, ये मैंने जो अमूल बटर था उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि कई लेडीज इसको मेल्ट करके फिर दाल में डालती है, बट मैं इसको पीस में ही डालूंगी दाल में, ठीक है। तो ये मैंने धनिया है जो जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक काट के रखती है। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ दाल। तो आप मेरे तरीके की एक बार दाल मखनी ज़रूर बनाइए, आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि मैंने किस तरह से दाल बनाई, कि मतलब बनाते बनाते आपको कैसी लगी। ओके गाइस, तो देख सकते हो आप इसमें मैं डाल देती हूँ दाल। दाल की ज़्यादा सीटी विसल नहीं आनी चाहिए इसको, फिर थोड़ी सी विसल, तीन चार विसल में ही ये रेडी हो जाती है। देख सकते हो आप कि पूरी रेस्टोरेंट टाइप लग रही है। अभी तो मैंने इसमें जो पीसेस करके रखे हैं वो मैं इसमें डालूंगी, देख सकते हैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो आप मैंने दाल किस तरह से, कितना अच्छा रंग लगा, देखो। अब इसको विसल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, दाल बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ ये जो मैंने पीसेस किए थे, देख सकते हो आप, ये मैंने इसमें डाल दिए। लास्ट में मैं इसमें धनिया डालूंगी, ये डाल दिया मैंने धनिया। तो गाइस, ये आपको कई लोग दाल बनाते हैं जब वो इस क्रीम का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा सैंडविच, बर्गर, मोमोज, किसी के साथ भी इसको मेयोनीज बोलते हैं और ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। अगर आप इस क्रीम को बीच में थोड़ा सा क्रीम डालते हो तो ये पूरा रेस्टोरेंट टाइप बन जाएगी। पूरी जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम दाल मखनी का ऑर्डर करते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड और लेडीज़ को बड़ी पसंद आती है दाल मखनी, तो ये डालोगे तो ये पूरी रेस्टोरेंट टाइप बन जाएगी। बट मैं ये नहीं इस्तेमाल करूँगी, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये पूरी इसी तरह बनेगी, ठीक है गाइस। तो मैं इसको रख देती हूँ, बट मैं इसको इस्तेमाल भी करूँगी। अगर मैं डाल दूँगी तो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, बट मैं ये नहीं डालूँगी। ये बन गई मेरी दाल। तो देख सकते हो आप दाल किस तरह से अच्छी लगी है। अब ये दाल आप सबको खिलाओगे तो सब ही उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और मैं आपसे ये करती हूँ कि आपको भी मेरी दाल बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये थी मेरी दाल मखनी। दाल मखनी बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो किस तरह से, कितना अच्छा कलर आया इसका। तो गाइस, हर लेडीज मेरी तरह की दाल मखनी ज़रूर बनाना। और हूँ इस वीडियो को एंड, और मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके। ओके गाइस, बाय बाय।